तो दोस्तों इस तरह के फ़ोटो एडिटिंग के लिए आप लोग को क्या करना होगा, एक फ़ोटो ले लेना होगा और लाइट रूम के अंदर आप लोग को बताएंगे आप लोग का कैसा इस तरह के फ़ोटो बन सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग को गैलरी ओपन कर लेना है। गैलरी ओपन करने के बाद दोस्तों एक फ़ोटो ले लेना, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया एक गैलरी के, और यहाँ पर सेंड कर देंगे लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम के अंदर यहाँ पर सेंड कर दिया मैंने। सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर एल्बम सेंड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ आएंगे हम लोग लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गए फोटो, ऑल फोटो में क्लिक करेंगे। ऑल फोटो में क्लिक करने के बाद दोस्तों इस एक फ़ोटो को ले लेते हैं, यही फ़ोटो को। इस फोटो को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लाइट में आना होगा। यहाँ पे है लाइट, सबसे पहले लाइट में क्लिक करना होगा। लाइट में क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे लो तो यहाँ पे एक्सपोजर रहते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर को ले लेना होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सपोजर को ले लेना होगा, 63 ले लिए हैं, 0.63 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे 39 ले लेंगे कंटेस्ट को, यहाँ पे 40 से 39 ले लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हाईलाइट को माइनस ले कर देंगे, माइनस यहाँ पे कुछ कर देंगे इस तरह। शेडो को यहाँ पे कर देंगे 55 या 60 के बीच में कर देंगे। यहाँ पे शेडो कर दिए, शेडो 55 करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वाइट कर देना है प्लस 35। यहाँ पे दोस्तों हो गया। उसके बाद ब्लैक को माइनस कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है कलर के ऊपर। कलर में आ जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, टेम्प को माइनस 24 कर देना है। कुछ इस तरह का देख सकते हैं दोस्तों, कुछ आप लोग को इफेक्ट दिखाई देता होगा। यहाँ पे कुछ अलग है यहाँ पे फ़ोटो में, और यहाँ पे माइनस करने के बाद कुछ अलग ही अंदाज आ रहा है यहाँ पे फ़ोटो में। यहाँ पे टिंट को ले लेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेंस को यहाँ पे ले लेते हैं, 46 ले लेंगे या 40 ले लेंगे, इतना सा ले लेते हैं। इतना सा लेने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन को ले लेंगे, माइनस में कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे माइनस। माइनस में करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मिक्स में चले जाना है। यहाँ पे मिक्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सेकंड वाले कलर पर क्लिक करना है। सेकंड वाले कलर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वही को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे सैचुरेशन को कर देंगे फिर माइनस। यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लुमिनस को कर देंगे प्लस। तो कुछ इस तरह हो गया, इसको प्लस करना है, सिचुएशन को प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे इसको भी माइनस कर दीजिए इस लुमिनस को, और यहाँ पे आ जाना है ग्रीन वाले कलर को, यहाँ पे हुई को माइनस लेना है और सिचुएशन को इधर कर देना है। हो गया कुछ इस तरह के, इस तरह। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है येलो कलर पे, येलो कलर पे यहाँ पे कुछ इस तरह का कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लू कलर पे आ जाना है। ब्लू कलर पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा देंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ देख सकते हैं कितना कमाल के फ़ोटो दिखने लगा। अब इसमें और भी बाकी है, और यहाँ पे आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों आपको लोग को क्या करना है, इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे टेक्सचर है, यहाँ है तो -84 कर देंगे, 84 कर देंगे यहाँ पे माइनस, हो गया 82 ही रह दीजिए। और यहाँ क्लैरिटी को कर देंगे यहाँ पे -4, -4 करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेज को कर देंगे 6 कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विजनेट को कर देंगे यहाँ पे माइनस में कर देंगे, इस विजनेट को माइनस में करने के बाद मेड पॉइंट को यहाँ पे कर देंगे प्लस में। प्लस में करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बस गया फीदर, फीदर को यहीं पर आ जाएंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, और ऑर्डनेस को यहाँ पे इसको भी जीरो रहेंगे रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आ गया यहाँ पे हाईलाइट, हाईलाइट्स को यहाँ पे कर देना है प्लस, यहाँ पे प्लस कुछ इस तरह हो गया। और यहाँ पे ग्रैंड अमाउंट को भी प्लस कर देना है,
ये हो गया प्लस, और यहाँ पे साइज तो सही ठीक है, राउंडनेस यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे डिटेल कर देंगे यहाँ पे, और शार्पनिंग को यहाँ पे बढ़ा देंगे, शार्पनिंग को कुछ इस तरह कर देंगे 56 कर देते हैं शार्पनिंग को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉइज रेडुएशन को कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आप लोग को फोटो इफेक्ट आ गया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, कलर नॉइज रेडुएशन पर यहाँ पे कुछ बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्मूथनेस को यहाँ पे इस तरह बढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिमूव क्रोमेटिक यहाँ पे कर देंगे, और कल लेंस प्रोफाइल भी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाना है यहाँ पे फिर से लाइट में, लाइट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है इस पर, और इस पर आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद दोस्तों डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है और ऑटो में हो गया, ऑटो में हो गया, और यहाँ पे आ जाना है फाइल में। फाइल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ले लेना है आप लोगों को आर्टिक थ्री ले लेना है यहाँ पे आप लोगों को, थोड़ा इस तरह का कर देना है। दोस्तों यहाँ पे बन गया मेरा फोटो, बन के तैयार हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर जरूर करके बताइएगा कैसा आपको चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।